कांग्रेस स्टार प्रचारक राहुल गांधी मध्य प्रदेश अशोकनगर नई सराय में चूंटणी रैली ने संबोधता मोदी सरकार और भाजपा ने आड़े हाथ लीधी। आरोप लगाव्यो कि केंद्रीय मंत्री तोमर नो पुत्र भ्रष्ट छे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाओं गजवी रहा छे। तेमणे अशोकनगर नई सराय खाते जनसभा में कह्युं कि मोदी सरकार बधु प्राइवेट करवानुं कहे छे। सरकार मोटी मोटी पब्लिक सेक्टर कंपनीओनुं पण खानगीकरण करी नाख्युं छे। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, कहते नरेंद्र मोदी कहते हैं सारा प्राइवेट कर दो, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे सबके सब प्राइवेटाइज कर दिए, तो ये हुआ क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट में आदिवासी थे, दलित थे, ओबीसी थे, उनको परे कर दिया, कंपनी बेच दी, उनको बेरोजगार कर दिया, और दो तीन चार लोगों को पूरा का पूरा माल बेच दिया, देश की पूंजी बेच दी। राहुले फरी एक बार अदाणी नो उल्लेख करीने भाजपा ने घेरी। राहुले कहू कि जो तमारू नाम अदाणी होय तो तमारा नामे करोड़ों रूपया थई जाय। आपके जेब में से पैसा निकलता है कैसे? जीएसटी के माध्यम से। आप टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं लग रहा। आपने कुछ खरीदा, एकदम उसमें टैक्स गया। जीएसटी को ओबीसी दलित आदिवासी टैक्स कह देना चाहिए। ये लो, आप लोग टैक्स दे रहे हो, आपका पैसा जा रहा है सरकार में, सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में डाल रही है और अदानी जी को पब्लिक सेक्टर बैंक लोन दे रही है। यहां पे कोई ओबीसी है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है जिसको बैंक ने बैंक लोन दिया? नहीं मिल सकता। अगर आपका नाम अदानी होता, लाखों करोड़ रुपए आपके हवाले हो जाते। तो बीजेपी ऐसी सरकार चलाती है। राहुल ने कहा कि जहां सुधी खेडूत ने नाना दुकानदार मजबूत नहीं बने त्या सुधी रोजगारी उभी नहीं थाए। किसान और मजदूर मजबूत नहीं होगा तब तक छोटा दुकानदार, छोटा बिजनेस वाला मजबूत नहीं होगा, और जब तक छोटा बिजनेस वाला मजबूत नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। पूरा का पूरा कनेक्टेड है। आपने मध्य प्रदेश में किसान और मजदूर को मजबूत कर दिया, छोटा दुकानदार छोटा व्यापारी मजबूत हो जाएगा और उसके बाद एकदम रोजगार पैदा हो जाएगा। राहुल गांधी पोताना संबोधन में आरोप लगाव्यो कि मोदी सरकारे मोटा उद्योगपतियों ने 14 लाख करोड़ रूपया माफ कर दीधा। जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनशे तो 27 लाख खेडूतों देवू माफ कर दईशू, उपरांत 500 रूपया में गैस सिलिंडर आपीशू। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।